भगवान में यहाँ पर आए हैं तो प्रभु यीशु हमारे जीवन के अंदर आकर के हमारे जीवन को और हमारे जीवन के आनंद को बड़ा कर देगा। हालेलुया, एडजस्ट हो जाइए जल्दी से, जल्दी से एडजस्ट हो जाइए। जल्दी से बैठे, बैठते जाइए, बैठते जाइए, जल्दी से बैठते जाइए। हम सब लोग अपने स्थान पर बैठे हैं और उस महान परमेश्वर को जिसका नाम यीशु मसीह है उसकी तारीफ करने के लिए मेरे और आपके पास में आज एक और मौका है, उसको समझने के लिए मेरे और आपके पास में एक और समय है, उसकी जानकारियों को लेने के लिए मेरे पास एक और अवसर है कि यीशु कौन है। घर जाके ये मत कहना कि वहां पर गए थे हम कलपली में, कतौली में एक चर्च है, वहां पर प्रार्थना होती है, वहां के फादर हुआ करते हैं और हम ठीक होते हैं, ये मत कहना। वहां जाके कहना कि आज यीशु से मुलाकात हुई और यीशु को लेकर के आया हूं और यीशु जीवन देता है। हालेलुया, क्योंकि उसके बगैर ये दो साइड की आड़ है, और आप और हम खाली बैठे हैं और अपनी बातों को कर रहे हैं। कितना आप समझ पा रहे हो, कितना मैं समझा पा रहा हूं, कितना आपने हृदय को खोला, कितना आपने उसको प्रभु को जाना, सब कुछ हमारी सोच से परे हो जाए। जब यीशु काम करता है ना तो हम जीवन पाते हैं, मुक्त होते हैं, छुटकारा पाते हैं, जीवन का आनंद बढ़ जाता है। जिस सच्चे ईश्वरों को जीवन भर आपने ढूंढने और खोजने की कोशिश करी, यहूदियों ने बहुत कोशिश करी, पत्थरों में ढूंढने की कोशिश करी, सोने और चांदी में ढूंढने की कोशिश करी, जानवरों में ढूंढने की कोशिश करी, इंसानों में ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कहीं नहीं पाया, क्योंकि ईश्वर इनमें कहीं नहीं मिलता। ईश्वर कहां मिलता है? सच्चाई से पुकारने पर, कभी भी पुकार लेना, कहीं पर से भी पुकार लेना, वो वहीं पर मौजूद हो। हालेलुया, जैसे वो यहां मौजूद था वैसे वो आपके घर में भी मौजूद होगा। हालेलुया, जितनी आवाज वो यहां पर सुन रहा है उतनी आवाज आपकी सच्ची आराधना पे घर में भी सुनेगा। हालेलुया, आगे से आप और हम बीमार नहीं होंगे, आगे से हम और आप रोते हुए नहीं आएंगे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके कामों पर हर एक चीज के ऊपर आशीष देगा। कोई ऐसा नहीं कह पाएगा कि प्रभु के दासों से कि हम इसलिए नहीं आए कि हमारे पास पैसा नहीं है। प्रभु सबके खतों को भर दे, जो पैसा बीमारियों में डालो ना, बीमारियां आपकी बंद हो जाएंगी। जो पैसा दवाइयों में हर हफ्ते जा रहा है, हर महीने जा रहा है, वो वहां से खत्म हो जाएगा, उसके वो ब्रेक लग जाए। भर दिया है ना तो रुक नहीं पा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को आशीषों से भरने वाला परमेश्वर, हम कभी कंगाल नहीं हो जाने वाला, मेरी जेबें कभी खाली नहीं रह सकती, मेरे घर का अनाज कभी खत्म नहीं हो सकता, ध्यान रखना।
हमारे घर के मसाले कभी खत्म नहीं, हमें ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों के बहुत ध्यान रखना। आपकी गाड़ी का तेल भी नहीं खत्म होगा, हालेलुया, हवा में चल जाएगी वो गाड़ी। विश्वास करते हो क्या? यीशु पर विश्वास करोगे? अब रीजन कुछ ना जोड़ना इसके साथ में कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है बस, क्योंकि यीशु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि अभी तक जो आराधना में आराम कर रहे हैं ना, दिमाग लगा करके करते, दिमाग की बत्ती बंद करो और उसमें खो करके उसकी आराधना को करो, वो आराधना अलौकिक हो जाएगी। हालेलुया, सुपर नेचुरल हो जाएगी। कैसी जाएगी? सुपर नेचुरल। क्योंकि घर से सोच करके आए थे कि आज इतना डालेंगे, लेकिन जब वचन हुआ तो ना तो पति ने बोला, ना पत्नी ने बोला, ना बच्चे ने बोला, अब क्या कर रहे हो? वो सुपर नेचुरल अपने आप जेब में हाथ जाएगा और जो कुछ होकर आप प्रभु को कर देंगे। हालेलुया, सुपर नेचुरल। हालेलुया, जिस ईश्वर की इबादत हम आराम कर रहे हैं ना, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? हम आराम सोचते रहेंगे वो कर देगा। इसीलिए जिस विषय के ऊपर आज हम मनन करने जा रहे हैं, वो विषय कुछ ऐसे ही है, वो विषय कुछ इससे मिलता जुलता है। इससे पहले कि हम लोग अपने विषय पर आए, मैं आपके सामने उन हिस्सों की पुनरावृत्ति करूंगा जो हाल में पढ़े गए थे। पहला हिस्सा जो पढ़ा गया था निर्गमन, उसका 13:17-22 तक। निर्गमन 13:17-22। दूसरा हिस्सा जो पढ़ा गया था पत्रियों में से, वो था 5:8-14। और तीसरा हिस्सा जो पढ़ा गया सुसमाचार में से, वो था यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 9 और उसके पहले 17। इनसे संबंधित जो आज का थीम है, जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे, जो शीर्षक है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, वो है क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हालेलुया। ज्योति का मतलब क्या होता है? रोशनी। जब रोशनी होती है तो अंधकार छिप जाता है। इस विषय के ऊपर आज हम लोग मनन करेंगे, पर इससे पहले कि मनन करें, कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करें और आशीषों को मांगें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितना हम जानते हैं कर पिता उस ज्योति के विषय में, उससे कहीं ज्यादा आप मुझे बताइए ज्योति के विषय में। और जैसे जैसे प्रभु इस जुबान से आपकी बातें, आपकी महिमा करने के लिए निकलेंगी, वैसे वैसे पिता परमेश्वर नए प्रकाशन इसमें से निकलते चले जाएं। और वो प्रकाशन वो सच्चे हो और सही हो और सीधे हो, और वो प्रकाशन कर पिता परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को छू सके, वो प्रकाशन लोगों की जिंदगियों को बदल सके, वो प्रकाशन अलौकिक हो, सुपर नेचुरल हो, जो हमारी जिंदगियों से प्रभु मुखाग्र हो, हमसे बातचीत करें। आप महान हैं, अपने आप को प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपनी सोच, अपनी योजना, अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी, हर एक चीज को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। अब प्रभु बोलने वाला रूह कुदूस हो, बताने वाला रूह कुदूस हो, सिखाने वाला रूह कुदूस हो, पढ़ाने वाला रूह कुदूस हो, ताकि हम सब प्रभु यीशु के नाम में आशीष पा सकें। धन्यवाद परमपिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझको और आपको सत्य ज्योति के विषय में जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। लिखा है क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, प्रभु यीशु इस पूरे संसार की, इस पूरे ब्रह्मांड की, इस धरती की, इस
इस पृथ्वी की, इस जगत की ज्योति है और रोशनी है, प्रकाश है, उज्याला है। और इस प्रकाश, इस ज्योति और इस उज्याले में जब मैं और आप चलते हैं और बढ़ते हैं, उसी की रोशनी में यदि मैं और आप चलते हैं तो ठोकर खाके कभी गिरते नहीं, मेरे मार्ग में कभी भी ठोकर नहीं आएगी। छोटा सा उदाहरण दूंगा, टॉर्च लेकर के आप चलोगे, अंधेरे में एक भी सेकंड के हाथ यू हुआ और आपको नहीं दिखा तो हो सकता है कि किसी में गिर जाओ। जब तक आप पूरा यू पकड़ के रखोगे ना, तब तक चलते रहोगे, तब तक देखते रहोगे। इसको बोलते हैं मेहनत करना, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? मेहनत करना। जब धूप होती है तो आप किधर से भी फूल भाग करके निकल सकते हो, है ना? ये ज्योति उसके द्वारा बनाई गई, है ना? बाइबल में लिखा ना, ये ज्योति परमेश्वर के द्वारा बनाई गई। और उसके अलावा एक ज्योति के विषय में और बातचीत की जा रही है, वो लिखा है यीशु मसीह के लिए कि वो सत्य ज्योति है, सच्चाई है, हकीकत है, सत्यता है। बाइबल खोलिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, हालेलुया, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय इसके पहले पद से पढ़े कुछ एक जोर से। और इस प्रकार से 14 दिन बीत गया
जब परमेश्वर ने क्या बनाया, सूरज चांद सितारे, जिस सूरज की रोशनी में मैं और आप हैं, जिस सूर्य की रोशनी में मैं और आप चल रहे हैं, वो सूर्य की रोशनी मुझको आपको प्रकाशित करती है। और ये प्रकाश चौथे दिन बाइबल के अनुसार आ गया, ये प्रकाश चौथे दिन बाइबल के अनुसार आ गया। कौन सा दिन हुआ? दिन काहे से बोलते हैं? अब रात होगी, कल सुबह होगा तो दिन बदल जाएगा ना जी। चौथे दिन क्या बनाया? सूरज चांद सितारे। सूरज चांद सितारे से पता चलता है दिनों के अंदर अंतर। जिस चीज को चौथे दिन बनाया गया तो शुरुआत वहां से होनी चाहिए थी, शुरुआत तो हो चुकी है। बाइबल के अनुसार चौथे दिन सूरज चांद सितारा, तो तीसरे दिन क्या बना था, दूसरे दिन क्या बना था, पहले दिन क्या बना था, और इसमें कौन सा दिन और रात हो रहा था, इसमें दिन कैसे पलट रहे थे, इसमें कौन सी रोशनी थी, इसमें कौन सी ज्योति थी, इसमें कौन सा प्रकाश था। जिस चीज को बनाया इस चौथे दिन, वो काम पहले दिन से कैसे हो रहा है। हालेलुया, रोशनी चौथे दिन बनाई और रोशनी पहले दिन थी। सूरज चांद सितारे चौथे दिन बनाए, पहले दिन रोशनी थी। और लिखा हुआ है अंधकार से उस उजाले को और उजाले से अंधकार को अलग करा गया और दिन भी हुआ। पहला पद फिर से पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, किसकी सृष्टि करी? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। और ये पृथ्वी कैसी थी? पृथ्वी बेडौर और सुनसान पड़ी थी। और परमेश्वर कहां रहा करता था? स्वर्ग में। और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का रूह जुम्बिश किया करता था। पृथ्वी क्या कहां पर थी? अंधकार में, गहराई में, बेडौर तत्व थे, सब कुछ बेकार हो रहा था। अब परमेश्वर ने सोचा कि मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा, सृष्टि को बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के अनुसार एक दिन मनुष्य की बुद्धि खुलेगी, एक दिन ये प्रकाशन मनुष्य के पास में आएगा। वरना तो हम सरसरी की गांव में पढ़ते हुए चले जाएंगे, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। लेकिन इस बात के ऊपर गौर कोई नहीं कर पाएगा कि रोशनी जब होगी तभी दिन पलटा जाएगा, उससे पहले दिन पलट नहीं सकता। ये कौन सी ज्योति थी, ये कौन सी ज्योति थी जो जीवन के अंदर दिनों को पलट रही है? पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, और सृष्टि भी होती जा रही है, सृष्टि का निर्माण भी होता जा रहा है। ये कौन सी ज्योति थी जो अपने काम कर रही थी? लिखा हुआ है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। सृष्टि किसने करी? परमेश्वर। जब परमेश्वर आता है तो उसका तेज और उसकी रोशनी आती है। हालेलुया। और उसके तेज और उसकी रोशनी से सारा जग भर जाता है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर महसूस करते हैं तो प्रभु के चेहरे को डायरेक्ट कोई नहीं देख पाता, तेज को देखता है। जब पत्थर की दरार में से परमेश्वर ने अपने आप को इस्राएली कौम को प्रकट करा तो देखने वालों की आंखें धुंधला गई, अंधा बना गया होगा, देख नहीं पाए उस तेज को, उस प्रकाश को। जब सूरज से आंख नहीं लड़ा सकते और मिला सकते तो सूरज के बनाने वाले से कैसे आंख लड़ा सकते हैं, उसके तेज से कैसे आंख मिलाई जा सकती है? पॉसिबल नहीं है। अलिका हुआ कि जब वो दरार से निकल गया तो क्या हो गया? तेज चला गया, है ना। जब वो दरार को क्रॉस करके चला गया तो क्या हो गया? तेज। यानी कि प्रभु जब अपने काम को करने के लिए आया, तेज था, उस तेज के अंदर जो उसने बोला वो काम हुआ। उसके बाद में प्रभु ने वापस अपने स्थान पर
फिर दूसरे दिन आया, फिर तीसरे दिन आया, प्रभु ने कहा अब मैं बनाऊंगा सूरज चांद सितारे। जिनों की बुद्धि होगी वो समझ जाएंगे और जिनों की बुद्धि नहीं होगी वो समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। इतने सालों के बाद परमेश्वर का ये बड़ा प्रकाशन मेरे और आपके जीवन के ऊपर प्रकट हो रहा है कि वो परमेश्वर की ज्योति में जो इंसान चलता है वो सदा आशीषित होता है। सूर्य की रोशनी मुझको और आपको जला सकती है, मुझको और आपको तपा सकती है, और मैं और आप सूर्य की रोशनी के अंदर जल बढ़ता सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी के अंदर हर एक जन चलेगा और आशीषित होगा। हालेलुया। बंदे से और कुछ एक पवित्रात्मा प्राप्त कर रहे बंदे से, एक पवित्रात्मा पाया हुआ है, एक नहीं पाया हुआ है। जो पाया हुआ है उसका जीवन पूछो, जो नहीं पाया हुआ उसका जीवन पूछो, उसके जीवन कारण पूछो और दूसरे वाले के जीवन कारण पूछो। पवित्र आत्मा का मतलब कि परमेश्वर का तेज उसके जीवन के अंदर है, और पवित्र आत्मा का ना होना उसका मतलब यह है कि हम मेहनत करके सारे कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि सूर्य के नीचे जो भी करना पड़ेगा मेहनत के साथ में करना पड़ेगा, है ना। और जब आदम हवा काम करते थे प्रभु के तेज में तो कोई मेहनत नहीं थी, कोहरा उगता था, सब कुछ सिंच जाता था, फल भी आते थे, वनस्पति भी आती, सब कुछ हो जाता था। हालेलुया। जब मैं और आप ताकत लगाते हैं, कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, घंटों करने के बाद में तब रिजल्ट मिलता है। प्रभु कहता चल तरस कर, और जिसके साथ में यीशु मसीह है तो दुष्टात्माएं और बीमारियां सिर्फ बोल देने से चली जाती है। हालेलुया। क्या होता है, बोल देने से चली जाती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब एलिया नबी था और एलिया के साथ साथ में बाल के पुजारी और बाल के देवता थे, दोनों के अंदर कॉम्पिटिशन हो गया, क्योंकि बाल के पुजारी बहुत ढेर सारे थे, बाल की पूजा करने वाले बहुत ढेर सारे थे, देवताओं को पूजने वाले बहुत ढेर सारे थे, और सच्चाई का उपासक सिर्फ एक था, है ना। सच्चाई का उपासक सिर्फ एक था, वो कौन था, एलिया नबी। और जब एलिया से पूछा गया आहाब के द्वारा, कहता तेरी वजह से इसराइल के ऊपर प्रकोप आया, कहता मेरी वजह से नहीं तेरी वजह से, कहता चल आज फैसला हो जाए। हालेलुया। कहता चल आज फैसला हो जाए, जितना परमेश्वर सच्चा हो उसी को स्वीकार कर लिया जाएगा। अब देखिए ये बात के पुजारी सवेरे से लेकर के शाम तक मेहनत कर रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं, अपने आप को बच्चियों से मार रहे हैं, घायल कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, दूसरों से कहते हैं अब तू बोल मैं थक लिया, तीसरा बोलता तू बोल अब मैं थक लिया, करते करते शाम हो गई लेकिन रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया। हालेलुया। इनकी चमड़ी एलिया की चमड़ी से कुछ फर्क थी क्या, या एलिया की चमड़ी इनकी चमड़ी से फर्क थी, नहीं। फर्क क्या था, एलिया में और बाल के पुजारी में फर्क क्या था, है? उसके साथ में खुदा था और उनके साथ में कुछ नहीं था। हालेलुया। उनके साथ में वो ज्योति थी और उनके पास में अंधकार था, उनके पास में वो ज्योति थी जो आरंभ में पहले दिन में काम करिए, दूसरे दिन में काम करिए, तीसरे दिन में काम करिए, एलिया के पास में वो ज्योति थी, इसलिए एलिया ने सिर्फ एक बार प्रार्थना करी और ऐसे ऐसे काम करे जो देख रहे हो कि बेबू बन रही है, पूरे को तीन बार मुआ पानी से भर दिया, पहले तो वेदी तैयार करी उसने, और वेदी तैयार करने के बाद पूरा पानी से मुआ भर दो, और तब उसने आवाज दी इब्राहिम इजाक और याकूब के परमेश्वर मेरी इस भेंट को इस बलि को स्वीकार कर। कलाम कहता है स्वर्ग से आग उतरी और सब कुछ वेदी समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। लोगों की आंखें भट्टी की भट्टी रह गई होगी,
बेकार हो, इनका ईश्वर, इसका ईश्वर, इसराइल का परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। आप जब मैं और आप सत्य ज्योति की बात करें, जिनके पास में, जिनके जीवन में वो सत्य ज्योति आ जाती है, तो उसकी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। भैया सिर्फ बीमारी के प्रार्थना मत कराया करो, तेल और पानी को ला करके इकट्ठा मत कराया करो, तेल और पानी से बड़ा है वो परमेश्वर, तेल और पानी का बरकत देने वाला भी वही परमेश्वर है, चंगा करने वाला भी वही परमेश्वर है, उसी को लेकर के जाओ ना साथ में, उस सत्य ज्योति को अपने साथ में लेकर के जाओ, जीवन के अंदर आनंद आ जाएगा और एलिय्याह जैसी सामर्थ्य काम करेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम मुझको रात को बताता है कि वो जगत की ज्योति है, एलिय्याह की ज्योति नहीं है, जगत में जितने लोग रहते हैं, जो कोई इसको विश्वास से पुकारेगा, जो कोई इसको सच्चाई के साथ में आवाज देगा, वो उन सबकी सुनेगा। हालेलुया। मैं चलता नहीं, योहन लिखित सुसमाचार उसका शौक क्या है, और उसके पहले पद को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, हाँ, जो जन्म से अंधा था, हाँ, उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ, हे रबी किसने पाप किया था, हाँ, कि यह अंधा जन्मा, हाँ, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने, हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, हाँ, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। बस लिखा हुआ है एक मनुष्य का जो अंधा था, चेलों ने पूछा कौन पापी है, ये इसके माँ बाप, क्योंकि मनुष्य की पहचान का है, तो मालूम है बीमारी हो गई, तकलीफ हो गया, बोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो क्या कहते हैं पापी है, ये पापी है, ये इसके माँ बाप पापी है, पाप का प्रतिफल है ये, है ना। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने पाप किया के माँ बाप ने पाप किया, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आगे क्या लिखा हुआ जरा पढ़िए, चौथे को तीसरे पद को। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, तो इसने पाप किया था, हाँ, ना इसके माता पिता ने, हाँ, इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कौन से काम है? सामर्थ्य काम। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, यहां पर आते हैं बहुत सारे लोग, बच्चा पैदा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, माँ बाप पूरा ट्राई करते हैं, ढंग से बोलता ही नहीं बोलता है, सुनता ही नहीं सुनता है, देखता ही नहीं देखता है, पैर सही पड़ रहे कि नहीं पड़ रहे, हाथ सही रख रहा है कि नहीं रख रहा, दोनों हाथ बराबर चल रहे कि नहीं चल रहे, गर्दन सही से मुड़ रही कि नहीं मुड़ रही, पेट तो ठीक है, गला तो ठीक है, जुबान ठीक है, दांत ठीक है, सारी चीजें माँ बाप चेक करते हैं, जहां गड़बड़ी दिखती है वहां डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, इसका पैर सही से काम नहीं कर रहा, इसकी आंख सही से काम नहीं कर रही, इसके कान सही से काम नहीं कर रहे, माँ बाप चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कराएंगे। और एक बार स्थिति ऐसी आई कि भैया बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए, अब बचपन का बीमार है ना, बीच में बीमार पड़ा होता तो शायद ठीक भी होता, ये तो जन्म की बीमारी है, हो सकता है माँ बाप के पाप का असर हो गई है, जो जन्म से अंधा पैदा हुआ, बेटा कुछ नहीं हो सकता, अब एक काम कर ले, तू अंधा ही बना ले, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तब बाइबल कहती है कि फिर ने पूछा कि इसने पाप किया या इसके माता पिता ने, उसने कहा ना तो इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया, ये इसलिए हुआ कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा था? चंगा कर दिया। जिसके जीवन को प्रभु यीशु मसीह छूने, जो रास्ते में चलते हुए प्रभु के संपर्क में आ जाए, जो उसे टकरा जाए, उसके जीवन बदल जाते हैं। हालेलुया। अब टकराए तो होंगे यीशु मसीह के पास में, यीशु मसीह बहुत प्रचलित थे, बहुत प्रसिद्ध थे, कि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, कौन सा आ गया, अंधे की आंखें भी खोल देता है, लंगड़ों को भी चला देता है, भैरों को सुनने की ताकत दे देता है, दुष्टात्मा ही भगा देता है, मुर्दों को भी जिंदा करता है, ये परमेश्वर आ गया। ढूंढ ढूंढ करके प्रभु के पास में लोग आते थे, भीड़ की भीड़ आती थी, अब प्रभु यीशु मसीह ने अंदर के हालातों को देखकर बता दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया,
गाड़ी के मैकेनिक जो होते ना, आप कहोगे एवं चेक कर लो, कहता चेक नहीं करो स्टार्ट कर लो, वो स्टार्ट करता है कहता बंद कर लो, मेरे क्षेत्र में आ गया इसमें क्या प्रॉब्लम। प्रभु यीशु मसीह हमारी इस सृष्टि का, इस शरीर का मैन्युफैक्चर करने वाला है, हालेलुया, इस शरीर को बनाने वाला परमेश्वर, और उसको मालूम है कि गड़बड़ी कर, वो अंदर तक के हालातों को जानते हैं, कहता इसने पाप नहीं किया न इसके माँ बाप ने पाप किया, ये अंधा इसलिए पैदा हुआ कि इसमें प्रभु की महिमा। आगे बढ़े चलिए चौथे पद में, जिसने मुझे भेजा है हमें उसे काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हाँ, ध्यान से सुनिए, बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी है, कहता है जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वो रात आने वाली है जिसने कोई काम नहीं कर सकता, और जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की। वो कौन सी रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं होगा, हर रात में काम होता है, लोग ड्यूटी जाते हैं काम करते हैं, वो कौन सी रात के विषय में बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो वो पूरी रात हो जाएगी, रात का इन द सेंस कि पूरा पाप, पूरा अंधकार पूरी रीति से सब में फैल जाएगा, शैतान को खुली छूट मिल जाएगी, करने जो कुछ करना है। अभी तक तो एक है जिसके विषय में कल हम लोगों ने पढ़ा था और सीखा था, एक रोक रहा है, क्या ना, एक रोक रहा है हमको, अभी तक बचा रहा है, कौन है वो, पवित्र आत्मा। उनकी एक रात होने वाली, एक रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं होगा, काम तो दिन ही दिन में होने हैं, और वो दिन कब तक है मेरे लिए, कब तक है, जब तक मैं जीवन में हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही है मेरे लिए तो तब तक है, लेकिन प्रभु के लिए कब तक है, जब तक वो इस धरती पर है। जिस दिन वो उठ गया, पवित्र आत्मा उठ गया, दुल्हन उठ गई, उसके बाद में कोई मौका नहीं, कहता जब तक मैं हूं तब तक काम कर लो। आज हम लोग दिन की ज्योति में हो या रात की ज्योति में हो, जिसके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह आ जाता है वो छोड़ने के आएगा कि सुबह काम करवा रोशनी में, किसके देश से काम करता हूं, प्रभु यीशु के देश से काम करता है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन। बड़े बड़े जागरण होते हैं, नाइट प्रेयर होती है, जागरण का मतलब जागना कहलाता है, इसलिए जागरण कहते हैं। एक निमेश पूछा पादी साहब कितने बजे जागरण होगा, जो पिछले हफ्ते बोला, मैंने कहा भैया रात में 9:30 बजे जागरण शुरू हो जाएगा, आ जाए। और उसके अंदर जब काम शुरू हुआ तो मैंने और आपने, जब प्रभु ने निकाल, प्रभु किसने निकाल कि अभी सोने का वक्त है, प्रभु का काम तब भी हो रहा था। सोचो एक रात हम सोए और दूसरी रात हम जगे हुए हैं, एक रात में मजे की नींद में कुछ नहीं पता, सवेरे उठेंगे खाली सोएंगे और खाली पिएंगे, लेकिन एक रात में ऐसा हुआ कि अद्भुत आश्चर्य को लेकर के बैठे हुए, हालेलुया। फर्क है, हमारे से फर्क आता है, हालेलुया, फर्क हमारे से आता है, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे रात के द्वारा क्या करता है, फर्क डाल देता है। बस एक बार पुकारो तो सही, वो सोने वाला परमेश्वर नहीं, वो जाने वाला परमेश्वर, उगने वाला भी नहीं, वो चौकन्ना रहने वाला परमेश्वर है। कहां से आवाज आई, कोने से आवाज आई, पीछे से आवाज आई, सामने से आई, साइड से आई, खतौनी से आई, अमेरिका से आई, कहां से आवाज आई, उस सारी आवाजों को सुन लेता है, हालेलुया। उसकी सेंसर बहुत शार्प है, दुनिया के हर एक इंसान को सुन लेता है, हर एक का रोना सुनता है, हर एक का गड़गड़ाना सुनता है, और लोगों को सुनकर के आशीष से भर देता है। इसलिए कहता है वो रात आने वाली है, इससे पहले कि वो रात आ जाए दिन ही दिन के अंदर अपने काम कर लो, मेरे रात का दिन तो तभी होगा जब तक मेरे रात के अंदर सांसें चल रही है, और प्रभु के अनुसार जो दिन है वो तब तक का है, हो सकता है कि हम जीवित हो लेकिन अभी तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार न कराओ, तब प्रभु यीशु आए और अपने दुल्हन को बुलाकर के ले जाए, मेरे और आपके लिए उस दिन के बाद से सदा काल की रात आ जाएगी। कुछ भी करो, अभी इतनी महंगाई हो रही है वचन की, तो उस समय शैतान तो पूरी पाबंदियां लगा देगा, पूरी रोक लगा देगा, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, प्रचार
नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, अलौकिक काम नहीं दे सकते, क्योंकि अलौकिक तो है ही नहीं, अलौकिक तो चला गया अपने लोगों को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। दाली करती पड़ी आगे का लिखा हुआ चले कहकर उसने भूमि पर फूंका और उस खून से मिट्टी सानी और वह मिट्टी पर उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा जा शीलो के कुंड में धो ले, शीलो का भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। क्या करता हुआ लौटा? यीशु मसीह जब लिखता है तो भीड़ मां से खाली जाती है। यीशु मसीह जब देखता है पलट करके तो पतरस रोना शुरू कर देता है। यीशु मसीह जब थूकता है और क्या लगाता है तो लोग ठीक हो जाते हैं। यीशु मसीह छूता है तो लोग जीवन पाले जाते हैं। यीशु मसीह जब आवाज देता है तो लिखा हुआ है सब कुछ हो जाता है। जब यीशु मसीह फूकेगा ना तो शैतान खत्म हो जाएगा। हालेलुया, धरती पर से हर जगह से उसका नाम और निशान पड़ जाएगा और वो सदा काल के नरक के कुंड में डाल दिया जाएगा, सदा काल के लिए डाला जाएगा। भूख बाकी है क्योंकि उसकी भूख के अंदर सामर्थ्य है। एक बार भूखा था उसने, फूका और अपने चेलों को कहा लो पवित्र आत्मा लो, भूख करके उनको आत्मा दिया, ऐसे ही ना। और अब की बार जब फूकेगा ना तो शैतान को पता चल जाएगा कि जो फूक इसके अंदर की निकलती है वो सामर्थी है और उसी में शैतान तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी तक तू सिर्फ छोड़ रखा उसको, कर ले जो तुझे करना, मेरे लोग तुझ पर फतेह हासिल करके तेरे पर पैर रख करके आएंगे मेरे पास। हालेलुया, तुझे हरा करके आएंगे, तेरे ऊपर पैर रख के आएंगे, तू रोता रहेगा गिड़गिड़ाता रहेगा, तू ये कहेगा इतने साल पहले ये मेरे थे और जो उसके थे वो वापस हो गए, जो इसके थे जो मेरे थे वो जच रहे यार। शैतान आज पूरी दुनिया के अंदर शैतान का राज चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के द्वारा शैतान का पतन होगा और शैतान और शैतानित करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में घुटने टेक करके उसके पास आए। बाइबल में लिखा हुआ हर एक उठना झुकेगा, हर जुबान इंकार करेगी। ये वो ज्योति है जब जगत में आई तो उसी दिन से जगत के अंदर उजियाला हो गया, उसी पल से जगत के अंदर उजियाला हो गया, उसी सेकंड के अंदर से जगत के अंदर उजियाला हो गया और उसके उजियाले में अद्भुत काम होने लग गए। हम लोग चौथे सूरज के नीचे बैठे हुए है ना, चौथे सूरज के नीचे बैठे हुए, पहले वाली रोशनी के नीचे आ जाओ तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप होगा। हालेलुया, इसमें मुझको आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है लेकिन उसमें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। जिसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया है ना उसके लिए सारी चीजें बहुत सरल और बहुत आसान हो जाती, बहुत सरल हो जाती प्रभु करता है, क्योंकि अब हम सारी चीजें उससे पूछते हैं, सारी बातें उससे कहते हैं। एक उदाहरण अभी पीछे जगह परिसर में दिया था, एक दास ने पूछा प्रभु बाल कटवाने जाऊं क्या? लेकिन नहीं अभी नहीं प्रभु, बाल बहुत बड़े हो रहे हैं अभी नहीं गया। दूसरे शहर गया, प्रभु अब बाल कटवा लूंगे यहां पे? प्रभु का नहीं अभी नहीं कटवाने। तीसरे शहर गया, प्रभु बाल कटवा लू है जा कटवा, सबसे महंगी वाली दुकान पर चला गया। प्रभु का दास देखो सबसे महंगी वाली दुकान पर, वहां पर बाल कटवाता जा रहा था और जो बारबर था जो नाई था उसको सुसमाचार सुना दिया और उस नाई ने उसी समय तौबा करी और अपने जीवन को बदल दिया। उसने कहा आपकी बाल कटाई मुक्त, सारी चीजें सरल हो जाती, काम का काम और मुफ्त में डिजाइन बनवा करके आ गए। हालेलुया, ये सिर्फ प्रभु कर सकता। आप साधारण जाओ और बोलो भैया बाल कटवाने, कहें कि आप थोड़ा से रेट बढ़ गए इतने हो गए,
और पैसा देकर क्या होगे, फिर रो कर क्या होगे, अब की बात तो बात बहुत छोटे छोटे से करते, ये थोड़े से बड़े थे। हमारी हर चीज के अंदर दुख और पीड़ा झलकती है, पैसे देकर के आएंगे तो भी दुख और पीड़ा झल जाएगी, और वहां पर परमेश्वर हर एक काम को अपने तरीके से करवाएगा, सब कुछ सही होगा। हालेलुया, उसकी रोशनी में आकर के काम करेगा, उनके जीवन का आनंद कई गुना बड़ा होगा और हमेशा फैलता रहेगा, और दूसरे लोग उस आनंद के भागीदारी होंगे, और दूसरे लोग उसी आनंद को वैसे ही प्राप्त करेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आनंद दिया था, और जैसा देने वाले के पास आनंद है। थॉमस जब प्रोफेसी करते हैं, प्रॉफिट है वो प्रोफेसी कर रहे थे, यानी कि भविष्यवाणियां करते हैं, तो उनके सारे जितने भी पीछे खड़े होते हैं वो सुनते रहते हैं, जब वो प्रोफेसी करते हैं और प्रोफेसी पूरी होनी शुरू होती है तो ताने बजते जोर जोर से, थोड़ी देर के बाद में वो चले गए, पीछे वाले बंदा आ गया, वो प्रोफेसी करने लगे, वहां काम होना शुरू हो गया, वो चला गया, तीसरा आ गया तो वो प्रोफेसी करना शुरू कर दिया, वो चला गया चौथा आ गया, वो प्रोफेसी करना शुरू कर, मतलब कि सारे के सारे जो उनके साथ में है उसी आशीष को, उसी मसाल को, उसी वरदान को, उसी ब्लेसिंग को लेकर के घूम रहे हैं, और जैसा उनके द्वारा हो रहा है वैसा उनके द्वारा भी हो रहा है। हालेलुया, ठीक उसी प्रकार से जब मैं और आप भी प्रभु के दासों के साथ में, प्रभु के लोगों के साथ में, प्रभु के भक्तों के साथ में, सच्चे राजकों के साथ में और सच्चाई के साथ में चलने वाले लोगों के साथ में यदि आप रहकर के आराधना करोगे तो वही मसाला को आप भी अपने अंदर लेने पाओगे। हालेलुया, हमसे ताली बजाने वाले ना बने, प्रभु यीशु मसीह जब आप काम करोगे तो ताली बजवाएगा पीछे लोगों से। हालेलुया, सिर्फ ताली बजाने वाले ना बने, आप भी वो करो जो प्रभु ने करने के कहा है, दुनिया ताली बजाएगी, दुनिया क्या करेगी, ताली बजाएगी, क्योंकि यीशु मसीह महिमा देने वाला परमेश्वर है, कहता दिन ही दिन के अंदर काम करो, अब डिले मत करो, लेट मत करो कि आज करेंगे परसों करेंगे नर्सों करेंगे करसों करेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद में बैठे हुए अभी कर लेंगे तब कर लेंगे कब कर लेंगे पर कब कर लेंगे पता ही नहीं, काम करना शुरू। यीशु मसीह के वचनों को सुनने के बाद में, कन्फर्म होने के बाद में, बैप्टाइज होने के बाद में भी बाइबल नहीं खुलती, अब पढ़ लेंगे कब कर लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, चाहे वो मैं हूं चाहे आप, इस चीज में मैं भी हूं, क्योंकि इस चीज में गलतियां मेरे से गलती और आप सब, क्योंकि ये पार्ट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ये पार्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें हमको और आपको समय देने की जरूरत और आवश्यकता है, इसमें मुझको आपको टाइम देने की जरूरत और आवश्यकता है, जब मैं और आप प्रभु को पूरी रीति से टाइम देंगे तो भैया आप चमकोगे। हालेलुया, हम और आप चमकेंगे, जब मैं और आप चमकेंगे ना तो उस चमक को लेकर के भीड़ क्या होगी, आएंगे, यीशु के पीछे लोग क्यों जाते थे, क्योंकि यीशु से चमकता था। हालेलुया, यीशु के द्वारा काम होने को चमकता था, तो आज यीशु और हम लोग साधारण से लोग जो प्रभु के दास दासी हैं, वो काम कैसे कर लेते हैं जो प्रभु करता था, पवित्र अपवित्र वो काम कैसे कर लेते हैं जो प्रभु किया करता था, कभी सोचा, हम अगर बोलते हैं वो काम होता है, क्योंकि यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे मुझ में वो, बगैर उसके कुछ भी चीज हो नहीं सकती, उसी के द्वारा सब कुछ संभव है, लेकिन धन्य वो बर्तन जो इस्तेमाल हो रहा है, एक बर्तन वो जो कोने में पड़ा हुआ है, कोने की शान पड़ा रहा है और इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, हम लोग वो बर्तन बने जो इस्तेमाल हो, बाइबल में लिखा हुआ है उसने इसके आगे पकड़कर कहने लगे क्या है वही नहीं जो बेटा अधिक मांगा था, बस आज लोग आपको पहचान लेंगे, क्या ये वही नहीं जो भीख मांगा करता था, क्या ये वही नहीं है, कोई कहेगा हाँ
पहचान ही नहीं पा रहे। हालेलुया, हालेलुया, बदल देगा वो कुछ बड़ा, है ना? क्या करेगा? जब मैं आ रहा उसके स्पर्श में आएंगे, जब मैं आ रहा उसके दायरे में आएंगे, जब मैं आ रहा उसकी सीमाओं में आएंगे, तो वो मुझको और आपको क्या करेगा? हालेलुया, पहचान नहीं पाएंगे। एक और हिस्सा निकाले जाए विश्व की पुस्तक, इसके आगे पद को पढ़िए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ, अब प्रभु में ज्योति हो। पहले क्या थे, अब क्या हो? प्रभु में ज्योति हो गए। पहले आप साधारण थे, पहले शाऊल थे, अब पौलुस हो गए हैं। पहले याकूब थे, अब इज़राइल हो गए हैं। पहले अब्राहम थे, अब इब्राहिम हो गए हैं। क्योंकि प्रभु की ज्योति में मैं और आप आ गए हैं। जो प्रभु यीशु की ज्योति में आ जाता है, उसका जीवन पूरी रीति से नया हो जाता है। पहले तुम कैसे थे, लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान उसके समान चलो। मैंने कल आपको बता दिया शाम को, असरदार क्रिश्चियन बनना है। कैसा? प्रभावशाली। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा असर को दूसरा हो, गाली देने पे असर नहीं पड़ेगा दूसरों के ऊपर। हालेलुया। नशा करते में दूसरों के ऊपर असर नहीं डाल पाओगे, प्रार्थना करते में दूसरों के ऊपर असर डाल पाओगे, वचन सुनाते समय दूसरों के ऊपर असर डाल पाओगे। पतरस ने जब असर छोड़ा तो 3,000 लोगों ने विश्वास कर बपतिस्मा लिया। पतरस ने जब असर छोड़ा तो सिर्फ रस्ते से निकला था और बीमार चंगे होने लग गए थे। एलिशा ने जब असर छोड़ा तो वापस लौट करके आया, नमक को पानी में डाल दिया, वो गंदा पानी पूरी रीति से शुद्ध हो गया था। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने जब असर छोड़ा तो 8 में से बिल्कुल सुरक्षित वापस आए, लोगों की आंखें खुली रह गई। कैसे हो सका? इनसे चल के पूछे कि कैसे हुआ, आपसे लोग पूछने आएंगे कैसे हुआ, कैसे हुआ, तब आप अपनी स्टोरी बताना। आपकी ग्लोरी को देख करके, आपकी स्टोरी को सुनने के लोग आएंगे, क्योंकि लोग ज्यादा विश्वास करते हैं गवाही को सुनने में। जब आपको और मुझको देखते ना, जब उससे कैसे करा, मैं भी हुआ करता हूं, आप कैसे करते थे? एक व्यक्ति ने कहा, एक पाकिस्तान से बात हुई, आपकी मिनिस्ट्री इतनी फ्रूटफुल कैसे हो रही है, इतनी बड़ी कैसे रही है, फलदायी कैसे हो रही है? पाकिस्तान का कितनी देर प्रार्थना करते हो? कहने 1 घंटा। कहने के मैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे प्रार्थना। कितनी देर वचन पढ़ते हो, कितना मालूम है? कहेंगे थोड़ी देर। क्या मैं कई घंटों वचन पढ़ता हूं? फ्रूटफुल ऐसे नहीं होते, फ्रूटफुल प्रभु के साथ संबंध बनाने से होती है, क्लेम करने से होती है, मांगने से होती है। तो पादी साहब चौंक गए और पीछे हो गए, ये बंदा ऐसे ही सामर्थ्य नहीं बना, प्रभु के साथ में रिश्ता हुआ। हालेलुया। अब भैया वो बात अलग है, कुछ ऐसे भी अभागे हो जाते हैं जिनसे प्रभु प्यार करता है। हालेलुया। जिनसे प्रभु प्यार करता है वो थोड़ा भी करेंगे ना जो भी काम करेगा। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं होते लेकिन प्रभु सुनता है, चंगाइयां देता है, अद्भुत करता है। असरदार ईसाई बनो, असरदार प्रभु के दास और दासी बनो, ताकि दूसरों के ऊपर असर छोड़ सके। क्या असर छोड़ना चाहते हैं? क्या असर छोड़ेंगे? कभी सोचा इस विषय में? सोचा नहीं होगा, यह विषय थोड़ा सा अपने आप में अलग है। कैसा असर छोड़ेंगे? उदाहरण देते, जब घर में मीटिंग होती है ना, तो हम लोग अपने
अपनी तरफ से बेस्ट कर दे। बाद में पूछते हैं घर वालों से, सब कुछ ठीक रहा? अच्छा हुआ, बड़ी अच्छी दुआ हुई, सारी चीजें आखिर तक अच्छी हुई। ध्यान किधर है? बताना क्या होगा, सिखाना क्या होगा, जताना क्या होगा? आज लोगों को जता दो कि हम यीशु की औलाद हैं। कैसा लगा चर्च आने के बाद में? कैसे हो यीशु को जानने के बाद में? कैसे हो भाई अंधकार से बाहर आने के बाद में? असर डालो, जताओ यीशु कर रहा है। हालेलुया। वो मत जताओ जो मेटलिस्टिक है, वो सबके पास है। आज जताने की कोशिश करोगे, दूसरा इतना प्रभावशाली आदमी खड़ा हो जाएगा, घुटने टेक दोगे। वो जताओ जो कोई नहीं जता पाए। प्रभावशाली भी आएगा ना, खड़ा हो जाएगा, यही घुटने टेक देगा सामने। ये अपने बस की बात नहीं है, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। हालेलुया। उस ज्योति के साथ में चलो जो पहले दिन की थी, दूसरे दिन की थी, तीसरे दिन की थी, जो अद्भुत काम करती है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, अभी तक तो अंधकार में चलते थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परकों की प्रभु को क्या भाता है। परकों की प्रभु को फर्ज करिए हमारे घर में कोई रिश्तेदार आया, बहुत निकट का बंदा है, जिससे आपका बहुत प्यार है, उसके बच्चों से भी प्यार करते हो, ठीक है ना? आप पूछो बेटा तुम क्या खाते हो? ये खाते हैं। बेटा तुम क्या खाती हो? ये खाते हैं। आप क्या खाओगे? ये खाएंगे। आप क्या खाओगे? ये खाएंगे। सबकी बातों को सुन करके सारी वैरायटी सबके मन के मुताबिक बन गई। करते कि नहीं करते? मेरे घर में तो होता है, भांजा भांजिया है, पूछा क्या खाओगे, सबने अपने अपनी वैरायटी। यीशु मसीह से पूछना है हमको, कहता है और ये परकों के प्रभु को क्या भाता है। प्रभु क्या आज कर लू भाएगा आपको? प्रभु आप थोड़ी सी गाली दे दो भाएगा आपको? प्रभु कहेगा ये पाप करने वाले मेरे सामने से प्रकट कर रहे हो प्रभु को आप। प्रभु अच्छे आचरण से प्रकट होता है, अच्छे स्वभाव से प्रकट होता है, अच्छी सोच से प्रकट होता है। प्रभु थोड़ी सी चोरी कर लो किसी को मगर बताए चलेगा? चर्च में तो वही भारी हुए हैं, चल जाएगा किसी का पता? इसको भी नहीं मालूम कि मैं ईसाई हूं, बताई नहीं रखा मैंने। वरना लोगों की पहचान क्या होती है? ईसाई लोग गलत नहीं होते, अच्छे होते हैं। इसको भी नहीं पता चलेगा कि नया है, कर लो थोड़ा सा। प्रभु कहता है तुम्हारी आत्मिक सेवा ऐसी हो जो परमेश्वर को भा। हालेलुया। यदि हम अपने घर के लोगों के लिए सारी चीजें पूछते तो सिर्फ जब प्रभु तुझे क्या आता है, कभी चीज को सोचा? प्रभु मैं गलत मार्ग पे जा रहा हूं, रात में मोबाइल में गलत देख रहा हूं, क्या आपको भाना होगा? प्रभु रात में गेम चल रहे, प्रभु आपको भाना होगा? गलत देख करके गलत करके सुबह प्रभु के लिए कैसे हालेलुया और प्रेज़ लॉर्ड चला सकते हो? एक सोते से दो पानी कभी नहीं फूट सकते। हालेलुया। अभी रात में चार बजे तक गंदगी करी, गंदगी देखी, और उसका सुबह उठ के हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, आंखें बंद हो गई, बिल्कुल खो गए। प्रभु को यह नहीं मानता। दूसरे को लगेगा क्या बहुत धर्मी, लेकिन हमें दूसरों को नहीं दिखाना, हमें प्रभु को दिखाना। अब छोड़ दो सारी चिंताएं, छोड़ दो, अब मत देखो इधर उधर, मत ताको क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, यीशु को ताको, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है, एग्जाम पास आने वाले हैं, यीशु की आमद बहुत निकट है, तैयारी करो, है ना? झूठा झूठा मूठा हालेलुया मत करो। एक हालेलुया से बोला गया था ना, लोगों को बहुत मिर्चा लगी थी,
में बोला गया था ना, मजाक उड़ाया गया था, और हम आपने मजाक उड़ाते कई बार तो बुरा लगता। अपनी गलती कर लो, अपने आप से गाली ठूक जाए तो कोई दिक्कत, दूसरे में ठूके तो दिक्कत होती है। हमने तो कितने मजाक उड़ा रखे हैं, क्रिश्चियंस के उड़ा रखे हैं, अपने उड़ा रखे हैं, पवित्र आत्मा को उड़ा रखे हैं, यानी किसकी चीजों के मजाक उड़ा रखे हैं, वो बुरा नहीं लगा। अपनी गिरबार में कभी ध्यान करके नहीं देगा, अपने घर में कभी ध्यान करके नहीं देगा, दूसरों के लिए सब लोगों को प्रोटेस्ट करो भाई, प्रोटेस्ट करो। अपने घर के अंदर कभी प्रोटेस्ट करा कोई ने भी खड़े होकर के, आप गलत सिखा रहे हो, आप गलत सिखा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपके द्वारा सारी चीजें मेरे अंदर आ रही, प्रोटेस्ट करा कभी बाहर, प्रोटेस्ट करा। प्रभु यीशु मसीह को सबकी ज्योति है, जब अंदर आता ना तो बुद्धि खुल जाती है, सही और गलत करने के लिए बुद्धि मिल जाती है, पाप के घर को छोड़ने के लिए बुद्धि मिल जाती है। अब्राहम ने ऐसे ही घर में छोड़ा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा उसके साथ में, घर छोड़ दिया। हम तो मजे कर रहे हैं। आज प्रभु को अपने जीवन से हमको क्या करना है, प्रकट करना, ताकि प्रभु हमारे जीवन को आशीषित कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हम लोग अपने जीवन के अंदर फैसला ले सकते हैं कि हम पहले रोशनी, पहले सूरज के नीचे अपने जीवन को जीना शुरू करें? क्या फैसला ले सकते हैं कि प्रभु आज के रात में जो मैं उपवास रखने जा रहा हूं, उपवास रखने जा रहा हूं, जो मैं काम करता था, जो तुझे नहीं भाता है, उससे क्या है स्वतंत्र हो सकता हूं? आज से छोड़ूंगा प्रभु, आज मुझे ज्योति मिल गई, सत्य ज्योति मिल गई है, आप उस सत्य ज्योति को जान और सुन करके मैं फिर से मूर्ख बना रहना नहीं चाहता, मैं ज्ञानवान बनना चाहता हूं। हालेलुया, मूर्ख नहीं बने रहना चाहता। अब जब सुन लिया, जब सीख लिया है, तो हम वैसे बनेंगे जो प्रभु को भाता है, वो नहीं बनेंगे जो प्रभु को नहीं भाता है। जो प्रभु को नहीं भाता तो वो किसको भाता है, किसकी औलाद है? हम यीशु की औलाद है, तो क्या करना चाहिए? जो यीशु को भाता हो, हालेलुया, जबरदस्ती में प्रभु की औलाद बनने की कोशिश मत करो, यदि हो तो प्रकट करो। हालेलुया, यदि होगे तो प्रकट करोगे। भैया वो तो अंदर से निकलता है, जिसकी भी औलाद होते वो निकल करके बाहर आएगा। चौथे सूरज के नीचे माँ बाप आ जाते हैं, पहले सूरज के नीचे प्रभु आ जाता है। माँ बाप की शक्ल तो दिखा सकते हो, लेकिन खुदा की चेहरा नहीं दिखा सकते जब तक खुदा के काम का प्रकट ना हो हमारे पास। हालेलुया, खुदा के काम प्रकट होने के लिए खुदा का स्वभाव दिखना चाहिए। चौथे सूरज के नीचे जो संतानी उत्पन्न हुई ना, माँ बाप का चेहरा दिखाई दे रहा है, माँ बाप का स्वभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां जो माँ बाप का स्वभाव है ना, वो खुदा का स्वभाव नहीं है। खुदा के स्वभाव को लेकर क्या बोलते हैं हम, मसीह है, हालेलुया, ईसाई है, एक चर्च से संपर्क रखते हैं, एक चर्च के सदस्य हैं, इसलिए मुझको और आपको उस परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना है जो उसको भाता है। आज से निगु करना शुरू कर देंगे तो ध्यान रख लीजिएगा, जीवन बदल जाएगा, नए जन्म हो जाएंगे। हालेलुया, पैदा हो जाएंगे हम ऐसे जैसे, अभी तक तो माँ बाप से पैदा हुए इतने साल के हो गए, लेकिन यीशु से पैदाइश होनी बहुत जरूरी है। आना जरूरी नहीं है कि दो लोग बीमारों के बीच में बैठे हुए हैं मजे से, लेकिन यीशु से जन्म होना बहुत जरूरी है। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं, आर यू न्यूबॉर्न, बहुत अजीब बहुत कुछ पूछते हैं। वो इसलिए पूछा जाता है, क्या आपने प्रभु यीशु को जान लिया और उसके कामों को प्रकट कर रहे हो कि नहीं? हालेलुया, पहला सूरज यीशु है, और तीसरे दिन के बाद का चौथा, चौथे दिन के बाद का चौथे दिन का सूरज सूरज है, उसकी रोशनी में सब कुछ हो गया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, समझ आ रहा है? किसकी औलाद है? अपने पापा के नाम मत लेना,
वो चौथे सूरज पर आए। यहां पर यीशु मसीह क्यों आए? किसको प्रकट करेंगे? हालेलुया। प्रभु ऐसा होने दे, और ऐसा हो आज। आप सिर्फ जुबान से ना बोलो, गांठ बांध लो, निर्णय ले लो, फैसले ले लो कि आप और उनकी एक प्रभावशाली क्रिश्चियन बनूंगा। तब तो कैथोलिक के अंदर बेदारी आ जाएगी। जिस गांव से आए हो आप, उस गांव के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। जिस शहर से आए हो आप, उस शहर के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना यहां से दिल्ली और दिल्ली से कहां और कहां से कहां पहुंचेगी, वहां परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष प्रदान करते हैं। आमीन। हुआ जीवित और समर्थ पिता परमेश्वर, धन्यवाद के आपके तमाम आशीषों के लिए जो आपने सबको दिया। सबको बरकत दी, अपनी महिमा के इस्तेमाल। कितने मौजूद है कलकत्ता मुझको मिलाकर, सब आशीषित हुए प्रभु आज आपके वचन से। क्योंकि कलकत्ता परमेश्वर ये तैयारी नहीं थी, और ये आपके द्वारा सिखाया गया। अपनी दया करिए, हम अपने जीवन के फैसले चाहे हंस के लें चाहे रो करके ले जरूर, क्योंकि हमें प्रभु को प्रकट करना है। प्रभु को प्रकट करने के लिए अनुशासित होना बहुत जरूरी है। आप दया करेंगे तो आज से हमारी लाइफ के अंदर अनुशासन आ जाएगा, महिमा प्रभु को मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।